हिच चीज मेरे अजीज। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है। तो फाइनली आपका भाई आ गया एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओल्ड एरेंगल से रिलेटेड और ओल्ड चीज़ें जो हमारे A1 रॉयल पास के अंदर मिल रहा है, अरबी क्रेड के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो आ रहा है, तो इंशाल्लाह उसके भी चांसेस ज़्यादा है। इमोट वगैरह जो हमें देखने को मिल जाए, जो सीज़न 10 का इमोट है तलवार वाला, वो मेरा फेवरेट है। अगर वो आ गया ना उसी वक्त पे, मैं अरपी प्लस उसी वक्त पे परचेस करूँगा, ठीक है। उसके लिए मैं इंतज़ार नहीं करने वाला। तो चलो भाई साहब, आगे देखते हैं कुछ चीज़ें जो तुम लोगों को दिखानी है। तो चलो आगे देखते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक ज़रूर ठोक देना, और अगर आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर भी लाजमी से फॉलो कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बताता हूँ, अब कुछ ज़्यादा ही बंदे, मतलब 100 में से 50% बंदे तो यही बोलते हैं कि भाई ये जो ओल्ड एरेंगल है वो कब आ रहा है। देखो भाई, मैं एक चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ, ओल्ड इरंगर अगर आ भी जाए, उसके अंदर नाइट मोड भी आ जाए ना, कोई भी बंदा नहीं खेलेगा। मैं 100% ये चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई क्यों नहीं खेलेगी। देखो, इसके अंदर जो है ना रिकॉल नहीं है। आजकल जो है ना बंदे सारे के सारे रिकॉल के आदि हो चुके, ठीक है। अगर रिकॉल ना हो ना, पहले हम क्या करते थे भाई, एक मैच के लिए अगर मैं खुद बताऊं तो 30 से 1 मिनट तक मैंने खुद अपने दोस्तों का ही इंतज़ार किया, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम शुरू में ही फिनिश हो जाते, फिर उसके बाद इंतज़ार करो लास्ट तक, जैसा ही वो मैच जीत जाता या फिर लास्ट तक सारे के सारे के फिनिश हो जाते, फिर से हम जाते थे दूसरी लोबी के लिए, मतलब हम फिर से दोबारा गेम स्टार्ट करते थे। आजकल तो इधर रिकॉल है ही नहीं, तो फिर कौन बंदा इतना इंतज़ार करेगा, कोई भी नहीं करने वाला। अगर मैं लिवी का ही या फिर नूसा का ही बताऊं, अगर मैं जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाता हूं उसके बाद तुम्हें इंतज़ार नहीं करने वाला, डायरेक्टली मैं निकल जाता हूं लोबी, चलो तुम लोग आओ, मैं उधर 1-2 TDM खेल के आता हूं। यही वाली कहानी है भाई। अब अगर बात की जाए नाइट मोड की, देखो भाई एरेंगल जो है ना ओल्ड वाला यही है जो मैंने अभी दिखाया, अभी भी पबजी के अंदर है। अगर तुम लोग खेलना चाहते हो तो खेल सकते हो, वही सिंपल सा एरेंगल खेलो, उसके अंदर भी रिकॉल वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज़ की कमी है, वो है नाइट मोड। नाइट मोड जो है ना नेक्स्ट अपडेट के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ये नाइट मोड नहीं है, ये जो है ना इधर एक न्यू फ्यूचर दिया, इधर देख सकते हो। अगर तुम कैमरे पे क्लिक करते हो इधर जो है ना, इधर तुम इसका जो ब्राइटनेस है, मतलब इसको चेंज कर सकते हो, इसको जो है ना इस जगह पे लेके आ सकते हो, और ये जो है ना पूरा का पूरा तुम्हारा नाइट मोड बनेगा। इसके अंदर तुम खेल नहीं सकते हो, ठीक है। अब तुम फायर कर सकते हो, एक जंप कर सकते हो, मगर इसका जो है ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई खेलना जो है ना इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। एक और न्यू फ्यूचर जो आ रहा है नेक्स्ट अपडेट के अंदर, ये मैंने पहले भी दिखाया, ये जो है ना मैंने बीटा वर्जन के एक और ओल्ड वीडियो दिखाई थी जो मैंने कुल मिलाकर 10 दिन पहले अपलोड की थी। तो अब अगर बात की जाए नूसा के अंदर रिकॉल है भाई, लिविक के अंदर रिकॉल, इरिंगल के अंदर रिकॉल है, अगर रिकॉल वाली कहानी है कौन बंदा जाएगा भाई नून रिकॉल पे, मतलब जिसके अंदर रिकॉल बिल्कुल ही नहीं, कोई भी नहीं जाने वाला। तो इसलिए भाई ओल्ड इरिंगल से हाथ धो के बैठे, नहीं पबजी वाले लेके आ रहे, और नहीं भाई उसके अंदर अब आजकल कोई मज़ा है, ठीक है, और नहीं कोई बंदा खेलेगा क्योंकि उसके अंदर रिकॉल नहीं है। आजकल जो है ना बंदे सारे के सारे रिकॉल के आदि हो चुके, विदाउट एनी रिकॉल, बिना रिकॉल के कोई भी बंदा नहीं खेलने वाला। तो अब आ जाए कुछ और चीज़ें हैं जो हमें नेक्स्ट अपडेट के अंदर A1RP के अंदर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए, इधर तुम देख सकते हो जो एस, मतलब जो एस सीरीज़ है इसका जो भाई सीज़न 2 है, इधर देख सकते हो ये वाली चीज़ें हमें देखने को मिल जाएंगे। तो अब इसके साथ मैं तुम लोगों को कुछ और चीज़ें भी बताता हूँ। इन दोनों की चांसेस कुछ ज़्यादा ही कम है कि आ जाए, क्योंकि अभी जो है ना इस सीज़न के अंदर ये चल रहे हैं, ठीक है। जो M22 है इसके RP क्रेड के अंदर, ये दोनों की दोनों चीज़ें ट्रिक के साथ हर एक बंदे ने निकाले होंगे, शायद आपने भी निकाला होगा, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अब जो बनी सीट है और बनी का जो हेडगर है, वो दोनों के दोनों 100% कन्फर्म है जो आ रहा है। तो इसके साथ अगर बात की जाए, इसके प्लेन फिनिश वगैरह भी हमें इंशाल्लाह देखने को मिलने वाले। तो एक और चीज़ है, इसके साथ मिथिक भी हो सकते हैं, ठीक है, 2 या फिर 3 तक मिथिक्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसका जो है ना अभी तक कुछ आता पता नहीं है। ये चीज़ें इधर से हो गए भाई 100% जो आने वाले, ये वही चीज़ें हो गए। तो इनके बाद भाई जो और मिथिक्स वगैरह हमें देखने को मिलते हैं उनका जो है ना अभी तक कुछ आता पता नहीं है। और रही एक और बात, इसके जगह पे हमें बेट भी देखने को मिल सकती है जो दाढ़ी है, ठीक है, वो भी हमें देखने को मिल सकती है। और या फिर जो एक और हेयर स्टाइल है पोनी वाला, तो इससे पहले शायद आया था एक और जो हेयर स्टाइल, वो भी इंशाल्लाह हमें देखने को मिल सकता है। तो अब मैं एक और चीज़ इधर दिखाता हूँ, ये चीज़ें अभी जो है ना इधर अवेलेबल है जो M22 RP क्रेड है। तो इसकी चांसेस कम है कि फिर से वो आ जाए, मतलब ये चीज़ें फिर से आ जाए A1 RP क्रेड के अंदर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसके चांसेस कम है, और जो बनी सीट वगैरह इंशाल्लाह वो हमें लाजमी देखने को मिल जाएंगे। तो अब आते हैं एक और बेस चीज़ पे। देखो भाई, जो मैंने कहा था कि भाई जो तलवार वाला इमोट है सीज़न 10 का, अगर वो आ जाए उसी वक्त में मैं RP+ परचेस कर लूँगा। अब अगर आप RP+ परचेस करते हो उसके बाद तुम इधर से ये वाले इमोट निकाल सकते हो,
ठीक है, ये जो है ना हर एक बंदे को पता होगा। तो इसके अंदर जो है ना, जो इस बार कुछ आए हैं एम सीरीज़ के अंदर जो आए हैं भाई, वो ऑलरेडी मेरे पास थे। ठीक है, तो इनमें से वो वाला इमोट जो मुझे अच्छे लगते हैं, वो वाले इमोट जो है ना इधर मुझे देखने को नहीं मिले। इधर देख सकते हो, ये वाली चीज़ें जो है ना ये ऑलरेडी मेरे पास है। एक जो है ना एफडी मैंने इधर से निकाला, एक साइड पर देख सकते हो, अगर कोई भी तुम इधर से निकालते हो एक साइड पे तुम्हें शो हो जाएगा कि कौन कौन से इमोट तुमने इधर से निकाले। ठीक है, आरपी प्लस के थ्रू मतलब तुमने इधर से निकाले हैं। तो अब इसके अंदर चांसेस ज़्यादा है कि आ जाए भाई तलवार वाला इमोट, और एक जो है ये वाले जो हमें प्री मिले थे सीज़न टू के। तो अब सीज़न टू के एक ये वाला है और एक जो है ना दूसरा वाला है जो गुस्से वाला है। भाई थंबनेल में तुम लोगों ने देखा होगा, वो गुस्से वाला जो है ना वो मेरे हाथ से निकल गया था। ये भी हमें प्रीमियम मिला था अर्पी क्रेट के अंदर, हमें मिला था। पहले जो है ना अर्पी क्रेट होते थे, उसके साथ तुम्हें 100 अर्पी के पॉइंट मिलते थे, या फिर दूसरी जगह पर मतलब एक बार एक वीक के अंदर तुम्हें 100 अर्पी के क्रेट मिलते थे, और दूसरी बार तुम्हें मिलता था भाई एक इमोट। उस वक्त पर मेरे हाथ से निकल गया दूसरा वाला। तो अब इसके साथ मतलब इनके साथ जो है ना चेंजेस आने वाले हैं, जो आरपी प्लस कोई बंदा परचेस करता है उसके साथ मिलता है एक इमोट। तो ये चीज़ें भी इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे। तो देख लेते हैं भाई कि कौन कौन सा इमोट हमें देखने को मिलता है। अगर बेस्ट इमोट था तो रॉयल पास के दिन पे इंशाल्लाह मैं लाजमी तुम लोगों को भी बताऊँगा कि भाई कैसे नहीं और क्या नहीं। तो आ जाते हैं भाई, आज जो है ना हमारा वीक का लास्ट डे है। ठीक है, रात के 12 बजे तक जो भी बंदा इधर टॉप पे आ गए, और उनको मेरी तरफ से इधर देख सकते हो, उस बंदे को मेरी तरफ से एक रॉयल पास की यूसी गिफ्ट। ठीक है, तो अब आते हैं भाई, इधर आईडी देख सकते हो 5434186080, इधर देख सकते हो ये वाली, ये जो है ना कैरेक्टर आईडी, सर्च कर सकते हो, जो भी प्री के पॉपुलरिटी भेज सकते हो और रॉयल पास विन कर सकते हो। जो भी टॉप 1 पे रहेगा उनको मेरी तरफ से एक रॉयल पास की यूसी गिफ्ट। तो ये भाई साहब हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो तो एक थम्स अप जरूर दे देना, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी से शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पर आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।